नमस्कार दोस्तों, तेरा मेरा चैनल में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। आज तेरा मेरा की टीम छापर के समाज सेवी विनोद कुमार जी बंसाली के निमंत्रण पर आज विजय सिंह जी सेन भक्त के फार्म हाउस यानी कि उनके खेत पर आज गई, जहां छापर के समाज सेवी विनोद कुमार जी बंसाली के द्वारा यहां गोट का आयोजन किया गया था। और इस खेत की यह खासियत है, मतलब इस खेत को इतनी अच्छी तरह सजाया गया है कि ये मतलब बहुत ही शानदार नज़ारा यहाँ पे देखने को मिलता है। बहुत ही अच्छी, बहुत ही बढ़िया यहाँ पेड़ की छांव है। यहाँ गोवा का बीच यहाँ कहा जाता है इसको। और ये देखिए, यहाँ का सबसे महत्वपूर्ण फल मतीरा, जिसके हम आपको दर्शन करा रहे हैं। और छापर के समाज सेवी विनोद कुमार जी बंसाली इस टाइम चौमासे के टाइम यहाँ जो ये खेती का जिस टाइम समय होता है, यहाँ काफ़ी गोठे यहाँ विनोद कुमार जी बंसाली के द्वारा की जाती है। और ये देखिए, नारी शक्ति भी यहाँ गोठ का आनंद लेते हुए, मतीरे का आनंद लेते हुए, काकड़िया मतीरा यहाँ का महत्वपूर्ण फल है। और यह मतीरा तो बहुत ही गुणकारी होता है। आज इसका पूरा वीडियो हम आपको इस चैनल पे लगा रहे हैं। वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और ये हमारा वीडियो कहां कहां तक पहुंच रहा है कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, ताकि हमें मालूम चल सके कि हमारा ये वीडियो कहां कहां तक पहुंचा हुआ है। आज विनोद कुमार जी बंसाली के द्वारा काफ़ी गणमान्य व्यक्ति यहाँ पर पहुँचे हुए थे, बॉम्बे से भी यहाँ पे आए हुए थे। और छापर के समाज से भी भानु कुमार जी नाटा, लक्ष्मीपत जी सुराना और काफ़ी गणमान्य व्यक्ति यहाँ पे पहुंचे हुए थे। अरे भाई, आज बंसाली के निमंत्रण पर मैं मदन जी ताते बम्बई मुंबई प्रवास समिति के अध्यक्ष, मेरे अभिन्न मित्र श्राविका गौरव, तेरापन धर्मसंघ की प्रकाश भाई तातेड़, मेरे अभिन्न मित्र जौहरी मदन चंद जी दुग्गड़ मुंबई सरदार शहर, और श्रीमती सरोज दुग्गड़। आज जगदीश के खेत के ऊपर विनोद के निमंत्रण पर, विनोद बंसाली के निमंत्रण पर आनंद उत्सव मनाया जा रहा है। और हम और बाजरे की रोटी की कचौड़ियां खा रहे हैं। इतना घी डाल के खिला रहे हैं, बोल। बहुत ही अच्छा वातावरण, बहुत ही अच्छा समा और बहुत ही अच्छी छांव नीम के नीचे। गोवा बीच की याद आ रही है। हम लोग सभी एंजॉय कर रहे हैं। ये लोग तो अभी निकल जाएंगे, मैं तो अभी थोड़ी देर रुकूंगा और बाद में जाऊंगा। कैसा लग रहा है यहाँ खेतों के अंदर, ये देसी अंदाज से खाना कैसा लग रहा है आपको? एक्सेलेंट भाभी जी, आपको अभी अभी हमको बताया गया कि गोवा बीच की याद आ रही, वही आ रही। ये बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत आनंद आ रहा है खेत के अंदर। ये जगदीश जी, ये सेनाई का खेत है और यहाँ गोट कर रहे हैं। पिछली दफे तो हम लोगों ने 25 गोटे की थी यहाँ, इस बार ये पहली गोट की शुरुआत है, आगे भी खूब सारी चलती रहेगी। बहुत ही स्वच्छता के साथ खाना बनता है, देसी स्वाद, देसी अंदाज। हमारे पारिवारिक रिलेशन वाले सभी जैन बंधु, जैन तेरापंथी बहुत ही खूब इस शहर से हृदय भाव से आए हुए हैं, उनका सहर स्वागत किया जा रहा है। बहुत आनंद आ रहा है।
राजस्थान के चुरू जिले के छापर कस्बे में जहां युग प्रधान आचार्य श्री महासवण जी का चतुर्मास चल रहा है और यहां से बाहर से यहां काफ़ी श्रावक यहां आए हुए हैं और विनोद कुमार जी बंसाली और उनकी टीम के द्वारा छापर के अंदर जगदीश जी सेन भक्त है उनके खेत में गोट का आयोजन किया गया है और इनके खेत के अंदर ऐसा पर्यटक का यहाँ पे बनाया गया है कि आपको गोवा बीच का या मतलब गोवा बीच के नाम से ये यहाँ जाना जाता है। फोटो का पूरा वीडियो आओगे ले ले आज में दिन चापर मैं कौन बना भाभी जी अरे इधर इधर मदन जी मदन जी अरे इधर ना फोटो ले फोटो ला भी सकते हो आओ आओ दिन चापर आ जाओ और आ जाओ मैं भेज दिस शर्मा जी ने इस साइड आ जाओ। खाना खाने के बाद यहाँ आइसक्रीम का भी यहाँ रखी गई थी और उसके बाद अपनी यात्रा के लिए सभी ने फोटो विनोद भाई जी आओ थे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें कमेंट करें। ऐसा भेजा पूरी फोटो नहीं भेजा भाई जी के फोटो नहीं आएगा ऐसा भेजा था ना कौन है ये फोटो कैसे भी कौन जी के सागे हाँ थे भी सागे किन दोने चैनल पे दिखा रहे हैं। जगदीश जी आप कुछ कहना चाहेंगे आपके खेत के अंदर ये कार्यक्रम रखा हुआ है। ये सब लोगों की आर्थिक इच्छा थी कि हम आपके खेत में गए हमने पूरी मेहनत के साथ में अच्छे भाव से पेड़ पौधे लगाए हैं अच्छी छायादार पौधे हैं अच्छे फ्रूट के पौधे हैं किसी भी को बुलाने की हमारी तमन्ना रहती है। आप कभी भी आ सकते हो अपना एंजॉय ले सकते हो। इस हिसाब का हमने अच्छी तरह से व्यवस्थित किया है चढ़ने की व्यवस्था है गाड़ी ऊपर तक आती है रोड बनाया है मकान वकान सब बने हैं सब बाथरूम लेटरिन सब अटैच है और पूरे खेत में छायादार पौधे लगे कहीं भी आप बैठ सकते हो कहीं भी घूम सकते हो अच्छे पानी की व्यवस्था है अच्छे खाने की व्यवस्था है आप मन चाहे अपना भोजन बना के आराम से खा सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद जगदीश जी। अब आपको ले चल रहे हैं छापर के समाज सेवी भानु कुमार जी नाहटा और ये देखिए नारी शक्ति भी यहाँ आई हुई है। यहाँ देश के अंदर खेतों का ये देसी अंदाज आपको कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा है। ये देखिए काकड़िया यहाँ का जो महत्वपूर्ण फल है काकड़िया जिस उसका आनंद लेते हुए कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। हमको खाली तेरा अकेले के लिए